आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। अमरोहा जनपद के थाना देहात पुलिस ने अंतर्राज्य वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों का पर्दाफाश करते हुए बताया कि एसपी ब्रजेश सिंह के निर्देशन में थाना देहात पुलिस ने रात में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उद्देश्य से चेकिंग अभियान चलाया था। तभी रायपुर चौराहे स्थित जंगल में बने खंडर मकान के पीछे चोरी की योजना बनाते हुए अंतर्राज्य चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। साथ ही अपराधियों के पास से एक बाइक भी बरामद की गई। युवक जंगल के किनारे बैठकर चोरी की योजना बना रहे हैं। मोबाइल के जरिए दी गई योजना पर जब पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार किया तो उनके कब्जे से 3 नए मोबाइल सैमसंग के प्राप्त हुए, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है। और इसमें 5 उनके जरिए जो बीती रात में चुराए गए टायर थे वो बरामद हुए। पूछताछ में इन्होंने बताया कि यह युवक जो चलती गाड़ियां हैं माल की, उनमें चढ़ जाते हैं चलती हुई गाड़ी में और वहां से फिर वो सामान चुरा कर नीचे फेंकते हैं, जिसे कि उसके पीछे चलने वाले साथी एकत्रित करते हैं और जैसे ही गाड़ी धीरी होती है ये दोबारा उतर कर भाग जाते हैं। इस प्रकार से पूर्व में कभी इस प्रकरण में जेल नहीं गए, परंतु पूर्व में ये अन्य प्रकरण जैसे कि हत्या, गैंगस्टर हत्या का प्रयास इत्यादि में जेल जा चुके हैं और इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। क्या क्या बरामद हुआ सर इनके पास से? जी, इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो यथासंभव चोरी की है, 3 पैक मोबाइल बरामद हुए हैं नए एकदम डिब्बे में बंद, और 2 मोटरसाइकिल, 2 तमंचे और 2 चाकू बरामद हुए। इससे पहले कहाँ कहाँ घटना कर चुके हैं? जी, ये संभल, बिजनौर और अमरोहा, ये जो हाईवे हैं नेशनल और स्टेट हाईवे, इन पर आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें चढ़कर ये घटनाएं करते थे। पिछले 4 साल से ये गिरोह एक्टिव था, परंतु कभी इस प्रकरण में कभी गिरफ्तार हुआ नहीं। इस बार ये गिरफ्तार हुए हैं, अन्य मामलों में ये पूर्व में जेल जा चुके हैं। ठीक।